ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, जो वक्त पर आपके काम आए सच्चा दोस्त वही है। आज मैं चार शब्द लाया हूं आपके लिए, अनसुने शब्द, आपने सुने नहीं होंगे, एक आध कोई सुना भी कभी हो, बाकी नहीं सुने होंगे। सीएस्टा, पहला शब्द SIESTA, सीएस्टा, दोपहर की नींद, आपने सुना ही नहीं होगा, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है, दोपहर की नींद लेना या दोपहर में आराम करना, ये एक नाउन है। आफ्टरनून रेस्ट और नैप, दोपहर की झपकी, झपकी भी कह सकते हैं इसको हम, थोड़ी सी नींद, दोपहर की आराम कर लेना खाना खा के, सीएस्टा कहलाता है, ये एक नाउन है। मैंने आफ्टरनून रेस्ट और नैप यानी इसकी अंग्रेजी में भी व्याख्या कर दी है। एग्जाम्पल देखें, शी इज इन रेस्ट रूम, वो अपने आराम के कमरे में है, एंड हैविंग ए सीएस्टा, और नींद ले रही है दोपहर की या आराम कर रही है। दूसरा शब्द स्नीपी, स्नीपी बदतमीज को कहते हैं, जिसको तमीज ना हो, न बोलने की न चलने की कोई तमीज ना हो, बदतमीज को कहते हैं, जिसे मैनर ची ना हो, जिस दूसरी अंग्रेजी है इसकी रूड, रूड इसकी दूसरी अंग्रेजी है, ये एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखें, माय नेबर इज ए स्नीपी पर्सन, मेरा जो पड़ोसी है बहुत बदतमीज आदमी है, यानी बदतमीज आदमी है। अब तीसरी अंग्रेजी देखें, CHUM, चम, चम माने होता है करीबी दोस्त, लंगोटिया यार, ये एक नाउन है। ही इज माई चम, वह मेरा लंगोटिया यार है। अब एक और अंग्रेजी देखें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, मिंक, MINK, मिंक की हिंदी होती है ऊद बिलाव, ये एक जंतु होता है जिसके बालों से कोट वगैरह बनाए जाते हैं, ऊद बिलाव, ये एक नाउन है। माय कोट इज मेड ऑफ मिंक फर, फर कहते हैं बालों को, ऊद बिलाव के बालों से मेरा कोट बना हुआ है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू।